और बड़ी खबर के साथ इस वक्त हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का ये सातवां दिन है। अब तक 6 दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध देखने को मिला, तो वहीं मणिपुर हिंसा और विवादित वायरल वीडियो पर विपक्षी दल लगातार प्रधानमंत्री मोदी से बयान की मांग कर रहे हैं। और यही वजह है कि गुरुवार को भी सारा दिन दोनों पक्ष सदनों में मणिपुर मुद्दा और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने को लेकर के सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच में हंगामा होता रहा है। यहां विपक्ष के तेवरों को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदन में आज भी इसी तरह से हंगामा जारी रह सकता है। आज मानसून सत्र का ये सातवां दिन है, आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। लगातार 6 दिनों से ये देखा जा रहा है कि मणिपुर का मुद्दा और एक जो वीडियो मणिपुर में जब हिंसा हो रही थी उसका वायरल हुआ है वीडियो, तो उसी के बाद से सदन में लगातार हंगामे के आसार बने हुए हैं, हंगामा लगातार जारी है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी से बयान की मांग विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी इस वायरल वीडियो को लेकर के, मणिपुर हिंसा को लेकर के जो है बयान दे। और यही वजह है कि गुरुवार को भी सारा दिन दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दा और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर के सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच में हंगामा होता रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता नितिन धीमान का। नितिन, आज सातवां दिन, हंगामे के आसार आज के दिन भी बने हुए हैं, मणिपुर का मुद्दा, इसी के साथ अगर हम ये कहें कि जो वीडियो वायरल हुआ था, जो लगातार ऐसा कहा जा रहा था देश को संसार कर देने वाला ये वीडियो है, प्रधानमंत्री ने भी निंदा की थी, लेकिन सदन में अब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो बयान दे। देखिए, पिछले कई दिनों से और डेली करीब से 4 से 5 सस्पेंशन नोटिस भी दिए जा रहे हैं। आज भी सुबह सुबह ही राघव चड्ढा और अन्य सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दे दिए हैं मणिपुर के मुद्दे को और वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को। विपक्ष इस बात पे ही अड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे अपना वक्तव्य दें। सरकार का कहना कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है, तो इसी बात को लेकर रोज गतिरोध हो रहा है। हालांकि एक बात कल जरूर देखने वाली हुई कि जहां पर हंगामे के बीच कुछ बिल जरूर पास करा लिए गए, एक सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल था वो पास करा लिया गया, तो सरकार ने जो एक लिस्ट बनाई है बिजनेस की उसको कराने में धीरे धीरे लगी हुई है। अब सोमवार को ही दिल्ली के अध्यादेश का जो है बिल वो भी यहां पर लगा हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो है वो रोज हंगामा कर रहा है। और दूसरा मुद्दा जो संजय सिंह को बर्खास्त किया गया, निलंबित किया है पूरे मानसून सेशन के लिए, वो धरने पर बैठे हुए हैं। कल भगवंत मान उनसे आकर के मिले थे, उनको समर्थन दिया, तो वहां पर भी लगातार एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तीसरा मुद्दा दिल्ली के अध्यादेश का है, उसको लेकर के भी हंगामा। तो ये 3-4 मुद्दे इकट्ठे होकर के लगातार रोज हंगामा संसद में हो रहा है। शुरू होते ही थोड़ी देर में अडजर्न करनी पड़ जाती है सदन। और एक बात ये भी देखिए कि अब जो विपक्ष ने अपना एक संगठन बनाया इसका नाम इंडिया रखा है, वो उसके सांसद तमाम पार्टियों के कल मणिपुर विजिट करने जाएंगे और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपना इस पर चुप्पी तोड़े और बात करें। हालांकि सरकार की तरफ से ही कहा जा रहा है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा नहीं चाह रहा है, विपक्ष इसमें अड़ंगा अड़ा रहा है। तो ये सिचुएशन पिछले कई दिनों से लगातार बनी हुई है और आज भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है कि सदन चले, क्योंकि लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन इन सभी ने तमाम विपक्षी दलों को समन्वय बनाने की मांग की थी, उनसे ये उनसे गुहार लगाई थी कि सदन को चलने दे, लेकिन बात वहीं की वहीं आ गई। विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि चर्चा होगी उसके जरिए, जो एक पूरा प्रोटोकॉल है उसके तहत चर्चा होगी, जो एक विधि है उसके तरीके से चर्चा होगी, विपक्ष के हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। तो आज भी आसार नहीं है ज्यादा कि कुछ ज्यादा काम होगा, लेकिन सरकार अपने बिल जो है वो पास कराने के जोगत में लगी हुई है। जी बिल्कुल नितिन, जिस तरह से आपने कल का जिक्र किया, जब मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके साथ राघव चड्ढा और संजय सिंह भी वहां पर बैठे हुए थे और प्रेस वार्ता हुई थी, उस वक्त में एक बात मुख्यमंत्री ने कही थी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से संजय सिंह को बर्खास्त करके और विपक्ष के आवास को दबाया जा रहा है, ऐसे तमाम आरोप पहले भी लगते रहे हैं। देखिए, ये जिस दिन बेल में हंगामा हुआ और हंगामा करते ही राज्यसभा सांसद को नेम कर दिया गया, एक मोशन वहां पे पीयूष गोयल ले आए और वॉइस वोट के साथ उनको निलंबित कर दिया गया। अब उसमें मांग ये है कि वॉइस वोट के साथ नहीं, आप डिविडेंड था आप उस पर वोटिंग करवाइए,
ये मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि, और इसी बात पर कल भगवंत मान ने भी कहा कि अगर जब डिविडेंड था कोई इसमें वो नहीं था तो वोटिंग क्यों नहीं कराएगी, ये बात भी उसमें कही जा रही। कल भगवंत मान आए, पूरा समर्थन दिया, क्योंकि कल विपक्ष में तमाम विपक्षी दल संसद में काले कपड़े डालकर आए हुए थे और वहां पर उनको पूरा सांकेतिक समर्थन भगवंत मान की तरफ से दिया गया। तो ऐसे में आज भी लगातार और रात को भी धरना लगा हुआ है क्रमबद्ध तरीके से, तमाम जितने भी सांसद हैं वो धरने में। बहुत जल्दी से आपसे एक जानकारी चाहेंगे, आपने कहा है कि कल मणिपुर के दौरे पर विपक्ष जो है वो रहेगा, कौन कौन सी पार्टी शामिल रहेगी, क्या इस बारे में जानकारी है? जितने भी इंडिया के अंदर संगठन हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, तमाम पार्टियों के एक एक जिनके सांसद हैं, एक एक सांसद वहां पर जाएंगे और डेलीगेशन जाएगा, पूरा मुआयना करेगा और वहां पर वापस आएंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि वहां पर क्या इनको जाने दिया जाता है नहीं, क्योंकि पहले राहुल गांधी वहां पहुंचे थे तो काफी हंगामा वहां पर हुआ था, इसके बाद विपक्ष का डेलीगेशन जा रहा है तो क्या आगे जाने दिया जाएगा नहीं जाने देगा देखा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ आज सातवां दिन मानसून सत्र का और आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। मणिपुर का मुद्दा, वायरल वीडियो का मुद्दा, इसी के साथ संजय सिंह को बर्खास्त करने का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार सदन में हंगामा चल रहा है।